हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पे। और आज फिर से एक बार बात करने वाले हैं बाल वेटर्न्स के ही बारे में। तो आज रैंडमली टाइम मिला तो रैंडमली ही वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था बाल वेटर्न्स के ऊपर ही, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा उस वीडियो में मैंने क्या सब बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, वो वीडियो वैसे भी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव थी सभी के लिए, लेकिन कुछ लोगों को वो वीडियो इन्फॉर्मेटिव से ज़्यादा कुछ और ही लग रही थी। लेकिन उस कारण से ये वीडियो नहीं बना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जिसको मैंने उस वीडियो में कवर करना ही छोड़ दिया था, मतलब उसके बारे में मैंने उस वीडियो में बताया ही नहीं था, ये सब ही मुझे बताना चाहिए था, उसी के बारे में जो ये वीडियो बना रहा हूँ। कई सारे पॉइंट्स हैं, कई सारे सवाल हैं और कई सारे एलिगेशन भी हैं, इससे सबको जो है क्लियर करने वाला हूँ इस वीडियो में। सो इस वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि कई सारे पॉइंट्स जो है सो भेजे गए हैं मुझे टीम के द्वारा, चाहे वो वीडियो के कमेंट सेक्शन से लिया गया हो या फिर DM किए गए हो या फिर कई सारे पॉइंट्स अपने मन से भी एब्जॉर्ब किया गया हो। बहुत सारे पॉइंट्स भेजे गए हैं जिसको जो है जिसके ऊपर जो है मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ लोगों के द्वारा जो है सो वॉइस के टोन के बारे में कहा गया था कि वॉइस जो है बहुत ही अजीब उखरेल और गुस्सेल टाइप का लग रहा है। सो पता नहीं ऐसा क्यों और कैसे हुआ। सो आज जो है सो मैं ट्राई करूंगा कुछ ज़्यादा ही नीचे एकदम माइनस में टोन ले जाऊं, एकदम कूल मिजाज रहूं। तो कुछ लोगों ने जो है ये भी कहा कि मैंने जो है कुछ भी एनालाइज नहीं किया बल्कि वैसे ही वीडियो बना दिया, तो चलो फाइन मैं मान लेता हूं, लेकिन आप कमेंट या लाइक तभी कीजिएगा जब इस वीडियो को पूरा देख ले और आपको पता चल जाए कि मैं गलत था या नहीं। इस वीडियो को पूरा जोर देखिएगा, मैंने जो है कई सारे चीज़ों को एनालाइज किया है तभी मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि कुछ लोगों का कहना है कि मैंने जो है सब टीवी को जो है अंधाधुंध सपोर्ट किया है, सब टीवी को सपोर्ट किया जबकि फैंस को जो है डिफेम किया। जबकि फैंस की बात करें तो इसमें सभी की गलती नहीं थी, जबकि मैंने जो है सबको जो है डिफेम कर दिया, ऐसा कुछ लोगों का पॉइंट है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप गौर कीजिए, मैं सभी को क्यों कहूँगा, अगर मैं वीडियो में कहूँगा आप लोगों ने ऐसा किया, इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी लोगों को मैं कह रहा हूँ। उस पूरे वाक्य पर जाइए, सिर्फ वर्ड पर मत जाइए, उस वाक्य के साथ वो बात जो है किसको कहने का प्रयास हो रहा है, किसको मैं कह रहा हूँ, उसको मैं कह रहा हूँ वो बात। जैसे कि TRP की बात अगर हो रही थी, मैं इस पॉइंट पे अगर बात कर रहा था कि सभी लोग जो है सो कुछ लोग जो है सो यूट्यूब टेलीग्राम या फिर जो है सो अनऑथराइज्ड जो है सो वेबसाइट या फिर ऐप पर देख लेते हैं एपिसोड, जैसे TRP घट जाती है, उस वाक्य में अगर मैं आप कहूँगा उससे मतलब आप सभी लोग नहीं बल्कि उन लोगों को मैं कह रहा हूँ जो ऐसा कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा था, बाकी सब टीवी को सपोर्ट मैं कर रहा हूँ, ऐसा क्यों वो आगे वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट ये भी है कि मैंने कहा था उस वीडियो में कि आप लोग जो है सोनी सबको सब टीवी को मतलब बेकार में जो है गाली दे रहे हैं, इसका कोई बेस ही नहीं है, जिसको जो है कुछ लोगों ने गलत बताया, कुछ लोगों को बुरा लगा कि ऐसा तो मैं नहीं करता, ऐसा जो है हम लोग किसी को सब टीवी को गाली नहीं दे रहे हैं। तो भाई साहब आप जो है दूसरे को भी कमेंट देखिए, मान लिया कि आप गाली नहीं दे रहे हैं सब टीवी को या फिर किसी को भी गाली नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैंने जो है सो कमेंट देखे थे जिसमें मैंने किसी एक पर्सन को नहीं कहा था बल्कि सभी कमेंट देखे थे जिसमें जो है सब टीवी को गाली भी दिया जा रहा था। आप बाकी कमेंट्स को भी चेक कीजिए। और नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है उसका तो कोई बेस ही नहीं है, कोई आधार ही नहीं है, लेकिन और इसके बारे में इनडायरेक्टली मैंने उस वीडियो में बात किया था, लेकिन चलो फिर से इसके बारे में बात कर ही लेते हैं। तो पॉइंट ये है कि उनके अनुसार जो है सो सब टीवी ने बालवीर के साथ ही ऐसा किया, बालवीर था इसीलिए ऐसा कर दिया, उसको जो है अचानक से अफेयर कर दिया, इतनी कम TRP भी उसको अफेयर कर दिया, अगर कोई और से होता तो ऐसा सोनी सब कभी नहीं करता। तो भाई साहब आप ही बताइए इसका क्या आधार है, सोनी साहब ने जो है सो बालवीर साथ ही ऐसा किया कि इतनी कम TRP भी इतना लंबा किया, आपने जैसा किया कहा ना कि बाकी कोई भी शो अगर ऐसा होता तो सोनी साहब ऐसा कभी नहीं करता। जी हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करता सोनी साहब, जो 0.2 TRP पर जो है सो किसी शो को चलाता सोनी साहब, ऐसा कभी नहीं होता। और लास्ट वीडियो की तरह इस वीडियो में भी इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सोनी साहब ने बालवीर टर्न्स को बंद क्यों नहीं किया, बंद कर देना उचित है, मैं बस कह रहा हूँ कि बाकी शो की तरह जो है सो बालवीर तरह नहीं किया गया, बालवीर टर्न्स को जो इतना ज़्यादा लंबा खिंचा गया इतने कम TRP में भी। सो आप सभी के मन में ये जो धारणा है बाकी शो से कंपेयर करने की, एक शो को जो है दूसरे शो के हिसाब से देखने की, इस शो को क्या किया जा रहा है, इस शो को कैसा बिहेव किया जा रहा है, या फिर एक शो के वजह से दूसरे शो को हेट करने की, दूसरे शो को गाली गलौज करने की या फिर बुरा भला करने की, ऐसा जो है बिल्कुल ही उचित नहीं है और इसका कोई आधार भी नहीं है। क्योंकि तारक मेहता हो या फिर बाकी कोई भी शो क्यों ना, सभी अपने में बेस्ट है। आपको पसंद नहीं आता इसका मतलब ये नहीं है कि किसी को भी वो शो पसंद नहीं आएगा और शो खराब हो। और जो है आप लोग बालवीर के वजह से दूसरे शो को जो गाली दे रहे हैं या फिर बुरा भला कह रहे हैं, जैसे कि मैंने कुछ लोगों को देखा कि हीरो को हेट करने लगे बालवीर की वजह से,
तो इसमें हीरो की क्या गलती है भाई, आप ही लोग समझा दीजिए। मैं तो कूल रहने की कोशिश कर रहा हूँ, आप ही बता दीजिए इसमें क्या गलती है। खैर इसका कोई गलती से कोई मतलब नहीं है, ये बस कहने की बात है कि इस किसी भी शो से जाए किसी भी शो का कोई रिलेशन नहीं है। आप जिस शो को पसंद करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, दूसरे शो से हेट करने की जो है कोई मतलब नहीं है। और नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है, सो आई थिंक एक के मन में नहीं बल्कि बहुतों का ये थॉट होगा। तो पॉइंट ये है कि सोनी सबको जो है सो टीएम की ओसी यानी कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा का घमंड है। तारक मेहता के कारण ही जो है सोनी सब कुछ भी कर देता है, कुछ भी मनमानी कर लेता है। तो देखिए तारक मेहता शो जो है, झूठ क्यों बोलूँ, सच में एक जो है लेजेंडरी शो है जिसका कोई मुकाबला नहीं है। और ऐसे शो को है सोनी सब प्रदर्शित कर रहा है, आप सभी के सामने पेश कर रहा है। तो ये गर्व की बात है और गर्व करना भी चाहिए। लेकिन जब बात अहंकार या घमंड की हो तो चाहे सोनी सब हो या फिर कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, उसे अगर घमंड हो जाए किसी चीज़ का तो ये सही तो नहीं होगा, ये सही नहीं होता और इसका प्रभाव भी देखने को मिलने लगता है। सो आई डोंट थिंक कि सोनी सब को घमंड हुआ है, क्योंकि अगर घमंड होता तो सोनी सब जो है तारक मेहता को ही ऑफर कर देता और सोचता तो उसका चैनल तो हिट हो ही गया, उसका चैनल का हमेशा व्यूज आते रहेंगे, टीआरपी आता रहेगा और अर्निंग होती रहेगी। और दूसरा ये भी कि सोनी सब दूसरे सोच बाकी सोच को चलाता भी क्यों, या फिर नए नए सोच लाता है क्यों, तारक मेहता था ये तो अगर घमंड अगर होता तो। लेकिन सोनी सब नए नए अलग अलग फ्रेंचाइजीज के सोच लाते हैं, पुराने सोच के भी नए नए सीजन लाते हैं और जो डिमांड की जाती है वो भी लाया जाता है। सो आई डोंट थिंक कि ये जो है घमंड है बल्कि ये बस एक गर्व है तारक मेहता पे। तो गाइज आगे भी जो है कई सारे पॉइंट्स दिए गए हैं जो कमेंट्स में आए हों या डीएम किए गए हों या फिर जस्ट थॉट्स हो, सो सभी का मैं अलग अलग आंसर करूँ ऐसा पॉसिबल भी नहीं है। वैसे भी सभी जैसे इंटरकनेक्टेड हैं, सो सभी पॉइंट्स जैसे मैं आप लोगों को पहले बताता हूं, उसके बाद जो है इस सभी का एक साथ ही आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो इन पॉइंट्स में है कि मैंने जो है सिर्फ एक के तरफ से ही बोला, एक के ही फेवरेट में बोला, वो सोनी सब के तरफ से बोला। दूसरा जो है मैंने सभी फैंस को जो है बुरा बोल दिया, इसके बारे में मैंने पहले बताया कि ऐसा था नहीं जैसा आप लोग समझ बैठे हैं। अगला पॉइंट ये है कि सोनी सब ने जो है ना तो पोस्ट किया ना ही बताया कि बार्बी टाइम्स ऑफर हो गया, जैसा कि अलादीन या फिर बाकी शोज के बारे में कुछ तो हिंट दे देता है या फिर पोस्ट कर देता है, ऐसा भी नहीं किया। और ऐसा है कि आप लोग सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं क्या, मतलब आप लोगों का कहना है कि हम लोग सवाल भी नहीं पूछ सकते हैं कि शूटिंग क्यों रोका, क्यों एपिसोड जो है बनाया नहीं गया, पूरी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं किया गया, क्या हम लोग ट्रेंड नहीं कर सकते, हैशटैग नहीं चला सकते हैं, क्या ये हमारा अधिकार नहीं है, तुम लोग क्यों रोक रहे हैं, मतलब तुम क्यों रोक रहे हो, हमारे बारे में बोला गया है कि तुम क्यों रोक रहे हो, हम लोगों को क्यों बुरा बोल रहे हो। सो ये सब जो है सो पॉइंट्स दिए गए हैं, बताए गए हैं, तो इस सब का मैं आप लोगों को जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले एक के फेवरेट में बात करने की बात करें कि मैंने सोनी सर के तरफ से ही बोला, तो देखिए ऐसा है जो सच ये है कि ये पूरा सिनेरियो जो है, पूरा घटनाक्रम जो है, इसके जो भी गलती जिसकी है, पूरा जो जिम्मेदार है इसके बीच का, उस सब को आप सभी लोगों ने आधा बांट दिया है, 50-50 में बांट दिया है। कहने का मतलब बस दो लोगों में बांट दिया है, दो लोगों को ही इसका हिस्सा बनाया है, पहला तो सोनी सब और दूसरा आप लोग ऑडियंस जनता इस पब्लिक इस सब को दिखाया है। इसमें भी मैक्सिमम लोगों का तो ये कहना है कि हमारी कोई गलती नहीं है, पूरा गलती सोनी सब का है, तो ये तो उचित नहीं है, पूरा का पूरा गलत है, ये आप लोगों को भी मानना ही पड़ेगा। और उसके बाद कुछ लोगों का ये कहना है कि बराबर बराबर गलती है, सभी की गलती है, 50% गलती जैसे ऑडियंस की है, 50% गलती जैसे सब टीवी की है, तो ये उससे तो थोड़ा भी उचित है, थोड़ा भी सही बनता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ, एक सच्चाई बता दूँ, अगर आप इसे जानबूझकर अनजान बनने की कोशिश कर रहे हैं या फिर सच में भी अनजान हो, तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि सभी में बस दो पहलू नहीं होते हैं, ऑडियंस और चैनल के अलावा जो है यहाँ पे शो मेकर्स, प्रोडक्शन हाउस और क्रिएटिव टीम और जो है बाकी जो पोस्ट प्रोडक्शन और बाकी चीज़ें जो होती है शो मेकर्स की टीम की तरफ से, उसको भी जो है इसी में गिनना पड़ेगा। और ये जो है सो चैनल से भी ज़्यादा अहम है इस सभी पहलू में। वैसे तो इस केस में देखा जाए तो ऑडियंस को भी दो भागों में आप लोगों ने ही बांट दिया, आधे लोग, कुछ लोग जो है सो ऐसे हैं जो मैक्सिमम लोग एक्चुअली जो ऐसे हैं जो कि जो है सो इनलीगली ही देख लेते थे एपिसोड, यूट्यूब हो या टेलीग्राम हो या फिर व्हाटएवर जिस भी जगह से देखते हो, ऐसे लोग थे जो इनलीगली देखते थे, बाकी ट्रू फैंस थे जो एपिसोड जो है सो लीगल रूप से देखते थे, चाहे वो टीवी पर देखे या सोनी लिव पर देखे। सो पहली बात तो वो लोग जो है पूरी निष्ठा से जो है शो को पसंद करते थे और शो को बचाने की कोशिश किए थे और उन लोगों को मेरी बातों से बुरा लगा था, तो मैंने तो वैसे भी मैंने बताया कि मेरा वो इरादा नहीं था और ऐसा मैंने कहा भी नहीं था एक्चुअली, लेकिन फिर भी अगर बुरा लगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैंने वो बात आप लोगों के लिए नहीं कहा था, मैंने उन लोगों को कहा था जिसकी गलती है।
तो यहाँ देखिए, इसमें जो है चैनल से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है पहलू जो है वो शो मेकर्स की है। और इसमें शो मेकर्स में ना सिर्फ डायरेक्टर, शो मेकर्स में सिर्फ डायरेक्टर नहीं आते बल्कि डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, प्रोडक्शन हाउस हो, क्रिएटिव टीम हो, या फिर पोस्ट प्रोडक्शन की टीम हो, या फिर ETC बाकी जो भी सभी कुछ टीम है शो मेकर्स की, वो इसमें ज़्यादा अहम रोल निभाते हैं। तो पहले अगर बराबर बराबर गलती की बात है तो फिर भी यहाँ पे जो है 33% गलती जो है सभी की आती है, 50% गलती नहीं है। बट इन रियलिटी वैसे तो सोनी सब की इसमें कोई गलती ही नहीं है, और इसका भी मैं प्रूफ आगे दे दूंगा, आप आगे वीडियो को देखिएगा, मैं इसका भी एनालाइज किया हुआ प्रूफ दे दूंगा, वैसे ही मैं नहीं बोल रहा। लेकिन फिर भी मैक्सिमम बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा सोनी सब की यहाँ पे 10% गलती मान लेते हैं, फिर भी बाकी की जो गलती है पूरा का पूरा जो है सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस और शो मेकर्स की टीम की है। और यहाँ भी मैंने ऑडियंस का नाम जो लिया है उसमें पूरा ऑडियंस नहीं बल्कि ऑडियंस का वो भाग है जो कि जैसे इनलीगली शो को देखते थे और शो के ऑफ एयर होने में वो वजह बने हैं। तो गाइज फाइनली आप बात कर लेते हैं कि इसमें सोनी सब की गलती कोई क्यों नहीं है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ कि इसमें सोनी सब की गलती नहीं है। तो उससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि बालू रिटर्न्स क्यों बंद हुआ, किस वजह से बंद हुआ, एक्चुअली किस वजह से नहीं, किसके वजह से बंद हुआ। जी हाँ, क्योंकि अभी किस वजह से का सवाल ही नहीं उठेगा, भले TRP कम हो या फिर बाकी चीज़ें भी इफेक्ट कर रही हो, लेकिन अभी स्टोरी बाकी थी, स्टोरी को कंप्लीट करना था। जब तक ये स्टोरी कंप्लीट नहीं हो जाती, एक एंड तक जाकर स्टोरी को ख़त्म ना किया जाता, तब तक ये सवाल ही नहीं उठता। अगर शो को एक एंड पे जाके ख़त्म किया जाता तब ये सवाल उठता कि ऐसा क्यों किया गया, शो क्यों बंद हुआ, TRP की वजह से या फिर स्टोरी कम होने की वजह से या फिर किस वजह से। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, जो भी आप लोगों को पता है, बात करते हैं किसके वजह से शो बंद हुआ है। वैसे तो कई सारी बातें मैंने जो है पहले से ऑब्जर्व कर रखी थी, लेकिन ऐसे कोई रिटन प्रूफ या फिर स्टेटमेंट नहीं था। लेकिन आप में से बहुत सारे लोग जो है बार बार कह रहे थे कि देव जोशी का ट्वीट देखो, वो वाला न्यूज़ देखो, तो मैंने वो भी जाकर देख लिया और उससे जो है मुझे 2-3 बातें कन्फर्म हो गया। सो वो न्यूज़ अभी मेरे सामने तो नहीं है जो मैं एग्जैक्टली पढ़ के मैं आप लोगों को बताऊं, लेकिन वो स्क्रीनशॉट आपके स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, सो आप पॉज करके उसे पढ़ सकते हैं। उस स्टेटमेंट में देव जोशी ने ये भी कहा है कि हम सभी की सेफ्टी के कारण इस पेंडेमिक के स्थिति में जो है सो हमारे प्रोडक्शन हाउस ने ये डिसाइड किया है कि हम जो है एक छोटा सा ब्रेक ले, हम जो है अभी शूटिंग ना करें। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा कि प्रोडक्शन हाउस ने डिसाइड किया था कि शूटिंग नहीं होगी, शो को जो है सो ऑफ एयर करेंगे कुछ टाइम के लिए या फिर जो भी टाइम के मामला है वो उसके बारे में आगे बात करता हूँ। लेकिन ये जहाँ तक फैसला लेने की बात है कि शो चलेगा या नहीं चलेगा, शो ऑफ एयर होगा ये अभी भी कंटिन्यू होगा, ये चैनल ने नहीं लिया है बल्कि प्रोडक्शन हाउस ने लिया है कि बालवी रिटर्न्स अभी बंद होगा। ओके, सो ये जो है सबसे बड़ा एलिगेशन जो था सोनी सब पे कि सोनी सब ने शो को अफेयर किया है, सो ये अब खत्म हो जाता है, सोनी सब ने शो अफेयर नहीं किया है। और आप लोग सोनी सब को जो बोल रहे हैं, सोनी सब ने तो आपको ये तक भी नहीं कहा है कि शो अफेयर हो चुका है, ऐसा कोई पोस्ट भी नहीं किया कि शो अफेयर अब हो गया है, शो आप चला गया। अब इस पर भी जो आप लोगों की आपत्ति थी, तो इसका कारण ये हो सकता है कि ऐसा हो सकता है कि चैनल ने जो है शो को अफेयर नहीं किया, ये जो है सो प्रोडक्शन हाउस की मर्जी है कि शो अफेयर कर दिया जाए, अभी शो को ना चलाया जाए, इसीलिए चैनल ने जो है पोस्ट ना किया हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि शो फिर से वापस आ जाए वापस बाद में, इस कारण से सोनी सब ने कुछ पोस्ट ना किया हो। तो इस क्षेत्र में तो सोनी सब की कोई गलती नहीं है। और जो आप लोगों को जो है सो कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सोनी सब ने बालू रिटर्न्स का प्रमोशन नहीं किया, तो इसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ, आप माने ना माने वो आपके ऊपर है, लेकिन सोनी सब ने बालू रिटर्न्स का प्रमोशन किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि सोनी सब ने बालू रिटर्न्स के साथ नाइंसाफी की हो, यहाँ तक कि प्रोमो के बाद भी थी ना तो सोनी सब बालू रिटर्न्स का प्रोमो बनाता था। बस एक बार हुआ था अंतिम मार्च के समय में, जब बालू रिटर्न्स का जो है काफ़ी दिनों तक जो है कोई प्रोमो नहीं आया था, उसका कारण भी मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अंतिम मार्च की स्टोरी जो थी इंटरकनेक्टेड थी, 3-4 वीक जो कहानी थी पूरा जो है एक प्रोमो में दिखा दिया गया था, और पूरे सेगमेंट का पूरी स्टोरी थी उसका नाम ही दिया गया था अंतिम मार्च, और उस अंतिम मार्च वाले प्रोमो में ही सभी वीक की कहानी को दिखा दिया गया था, इसी कारण से प्रोमो नहीं आ रहा था। बाकी हमेशा तो बालू रिटर्न्स के प्रोमो आते ही रहे हैं। बाकी सुबह जो है सोनी लिप पे एपिसोड अपलोड करने के कारण जो नुकसान होता था उसको भी सोनी सब ने बंद कर ही दिया, सुबह बालू रिटर्न्स के एपिसोड जो है सो नहीं आ रहे थे काफ़ी महीनों से। सो एट ऑल सोनी सब की तो इस समय कोई गलती नहीं है। फिर भी अगर जो है गिने चुने कुछ गलती अगर रह जाती है कि ये इसमें तो सोनी सब की पक्का गलती है, तो उसके लिए मैंने कहा है कि 5-10% मान लेते हैं कि सोनी सब की गलती होगी, लेकिन जितना बड़ा क्षेत्र, जितना बड़ा जो है गलती आप दिखा रहे हैं सिर्फ सोनी सब का, वैसा है नहीं। तो अब आप लोग कहेंगे कि शूटिंग तो कर लेते, स्टोरी तो कंप्लीट कर लेते, स्टोरी को अधूरी क्यों छोड़ी, इसका जवाब कौन देगा कि स्टोरी को पूरा कंप्लीट क्यों नहीं किया। तो पहली बात तो ये बता दूं कि ये जो है सो मेरे मन में भी खटका था कि ऐसा क्यों और कैसे किया गया, बिना स्टोरी को कंप्लीट किए बिना शो को अफेयर क्यों किया गया, और ये सवाल आप सभी के मन में भी आना जायज है। लेकिन ये सवाल बेसिकली आपको सोनी सब से नहीं बल्कि ऑप्टिमास्टिक से पूछना ज़्यादा सही होगा। खैर, पूछने के लिए आप किसी से भी पूछ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बात ये आती है कि आखिर शूटिंग रोकी क्यों गई है।
प्रोडक्शन हाउस ने ही जो है शूटिंग को अगर रोका है, ये फैसला लिया है कि शूटिंग नहीं होगी, तो इसका कारण जो है सभी का हेल्थ है, ये पूरी वर्ल्ड का जो कंडीशन है उस कारण से शूटिंग रोकी गई है, अपनी मर्जी से नहीं रोका गया है। कुछ लोग जो ये कह रहे हैं कि जो है स्टोरी तो कंप्लीट कर देते, दो चार एपिसोड ही, दो चार पाँच दस एपिसोड बना के स्टोरी कंप्लीट कर देते हैं, उसके बाद जो है शो को अफेयर कर दे, तो भाई उसके लिए भी शूटिंग करनी पड़ेगी, बाहर निकलना पड़ेगा, सभी को खतरा लेना पड़ेगा, जिस कारण से शो को अफेयर करना पड़ेगा, वही जो है सो मतलब कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा उसका। सो आगे महीनों बाद या सालों बाद जो है इसका कोई उचित भी बनता है, कुछ आधार भी बनता है, लेकिन अभी जो आप लोग कुछ भी कहें कि शो अफेयर मत करो या फिर अभी शूटिंग करो, इस ये जो है बिल्कुल भी सही नहीं है। रही बात सीजन 3 की या फिर न्यू एपिसोड की, तो आप ट्रेंड ये कर सकते हैं, आप मांग कर सकते हैं कि सोनी सब जो है सो फिर से बाल रिटर्न्स को लाए, अगर सोनी सब जो है सोनी सब ऐसा कर सकता है, कोई शो ऑफर हो गया है या फिर बंद हो चुका है, उसका न्यू सीजन ला सकता है, उससे डिमांड कर सकता है, तो आप लोग ये कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो है सो विरोध कर रहे हैं सोनी सब का, आप लोग उसे गाली दे रहे हैं या फिर बुरा भला कर रहे हैं, डिफेम कर रहे हैं, ये सही नहीं है। और देव जोशी वाले जो इंटरव्यू जिसके बारे में आप लोगों ने मुझे बताया था, तो उसका मतलब जान लीजिए। जब देव से पूछा गया था कि ये शो जो है हमेशा के लिए ऑफेयर हो गया, क्या यह सच है, तो देव ने बताया कि इसके बारे में हमारे जो है प्रोडक्शन हाउस से या फिर किसी से भी ऐसी कोई बातचीत ही नहीं हुई है, कोई कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ है। और रही बात न्यू एपिसोड की या न्यू सीजन की, तो देव ने बताया कि हम लोग जो है सो होप कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं, हम जो है सो आशा करते हैं और इंतजार कर रहे हैं कि हम जब जो है सो सारी कंडीशन जो है ठीक हो और जो है सो ये फैसला लिया जाए कि हम फिर से शूटिंग करें, तो हम लोग फिर से वापस आ जाएंगे, बालवीर फिर से वापस आ जाएगा। एक्चुअली ये कहा था देव जोशी ने, और ऐसा मैं नहीं बल्कि उसका स्क्रीनशॉट भी आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसके आगे मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हैं, ये सारे बातों का मतलब आप खुद निकाल सकते हैं। मैं बस थोड़ा सा हिंट दे दूँ तो आप लोग इसमें गौर करेंगे, देव ने जैसे ये कंफर्म नहीं किया कि शो कभी ऑफेयर नहीं हुआ है, शो ऑफेयर नहीं होगा, बल्कि देव ने जैसे इस बात को टाल दिया ये कहते हुए कि इसके बारे में मुझे कोई बात ही नहीं हुई है, मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। तो ऐसे नॉर्मली न्यू सीजन का आना ना आना वो शोमेकर्स और चैनल पे डिपेंड करता है, लेकिन जहाँ तक बात है आपके ट्रेंड करने की या फिर हैशटैग चलाने की या फिर डिमांड करने की, तो वो काफ़ी हद तक सही भी है और मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ लोग जो ऐसे हैं जो सोनी सब को विरोध कर रहे हैं, सोनी सब को एक गाली दे रहे हैं, ये सही नहीं है, क्योंकि सोनी सब ने सबको ऑफर नहीं किया। इसके बदले में आप जो है सोनी सब से जो है जेन्यून डिमांड कर सकते हैं, जो कि जैसा कि बाकी सभी शोज के लिए भी किया जाता है। तो सोनी सब जो है फ्यूचर में जो है सो न्यू सीजन लेकर आए, जब भी हालात सही हो और शूटिंग की जा सकती हो। और प्लीज़ इसको जो है सो 2012 वाले बालवीर से कंपेयर मत कीजिए, वो अलग था, ये अलग था, दोनों की बात भी अलग है। बालवीर जब बंद हुआ था वो प्री प्लान था, भले जिसका भी प्लान हो, मतलब कुछ समय अंतराल से जो है ये निश्चित हुआ था कि बालवीर जो है सो बंद किया जाएगा, इसी कारण से स्टोरी में एक एंड पे ले जाकर जो है सो खत्म किया गया था शो को, जबकि बालवीर टर्न जो है सो ऐसे गंभीर स्थिति के कारण जो है सो अभी रोका गया है, या यूँ कहें तो बंद किया गया है, जिसमें सोनी सबकी गलती नहीं है। और उसमें मैंने TRP का जो पॉइंट लिया था उस वीडियो में कि TRP कारण से शो ऑफेयर हुआ है, तो उसको लेकर जो है सो कई लोगों ने अपनी राय दी है कमेंट सेक्शन में, जिसको जो है कुछ कमेंट्स को मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। एक का कहना है कि बालवीर टर्न्स का बालवीर से संबंध न होने के कारण TRP कम है, जिसमें मानव महर डगली हाउस का न दिखाए जाने के कारण से वैसे भी TRP कम है। तो दूसरी तरफ बालवीर टर्न्स की गलती, जिसमें जो है सो कुछ अलग अलग चेंजेस कर दिए गए, पहले कुछ और था और बाद में कुछ और कर दिया गया, सो जो भी है आप कमेंट देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद एक अजीब सा ही कमेंट देखने को मिलता है, एक बंदे का कहना है कि मैं वीडियो नहीं बनाता अपडेट ऊपर, मैं या किसी यूट्यूबर के बारे में कहा है कि वो अगर अपडेट नहीं बताता है जिसके कारण जो है फैंस के मन में इंटरेस्ट नहीं होता है, वो शो को नहीं देखता है। तो दूसरी तरफ पहले कुछ लोगों का ये कहना था कि तुम लोग पहले से अपडेट बता देते हो, जिसके कारण जो है सभी लोगों का मन का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और शो को देखता है नहीं है। ये कोई बात हुई, जैसा सिचुएशन होगा उस सिचुएशन के हिसाब से आप हम लोगों को ही ब्लेम करोगे तो बिल्कुल भी सही नहीं है। हाँ, टाइमिंग के बारे में जो बोल रहे थे, टाइमिंग का जो भी कर सकता है वो चैनल ही कर सकता है, और इसमें जो है सब टीवी की ही गलती है। लेकिन सब टीवी ऐसा जो है सभी शो के साथ करता है, ऐसा नहीं है कि पहली बार बालवीर रिटर्न्स के साथ किया गया है। कि हाँ, मैंने एक कमेंट देखा था जिसमें एक बंदा कह रहा था कि तुम जो है सो वीडियो में गाली देते हो। भाई, मैंने कब उस वीडियो में गाली का यूज किया था, उस नहीं बल्कि किसी भी वीडियो में मैंने कब गाली का यूज किया, कब मैंने किसी को गाली दिया? जिसने भी सुना हो आप कमेंट में बता सकते हैं, मुझे भी तो पता चले मैं कब गाली दिया, जब मुझे भी पता ना हो। तो खैर, इस वीडियो में इतना नहीं, बहुत ज़्यादा हो गया, इस वीडियो में बहुत लंबा हो गया वीडियो, सो खैर उसके लिए सॉरी। आप वीडियो को पूरा देखिए, अगर जिन लोगों ने देखा है पूरा, उसको जो है सो बहुत तहे दिल से शुक्रिया। वीडियो अगर पसंद आए हो, बात पूरी समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनी राय इस पर कमेंट में बताइएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं, और आगे भी ऐसे वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं फिर किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।